दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सोशल मीडिया पर दुनिया भर का मालमत्ता मौजूद है, मुद्दे हैं और लोगों की राय है, लेकिन कुछ लोग राय देने की जगह गाली देते हैं, भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन्हें भाषा के प्रयोग की क्लास देने के लिए सोशल मीडिया पर पुलिस भी मौजूद है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का है। यहाँ का एक युवक ट्विटर पर लगातार लोगों को गालियां दे रहा था। लोगों ने यूपी पुलिस को टैग किया, इनको धर लिया और फिर पुलिस इनको इनके घर से उठाकर ले गई। बकायदा केस मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद युवक ने दिल से माफी मांगने वाली पोस्ट भी लिखी। क्या है ये पूरा मामला? ट्विटर पर एक हैंडल है पवन कुमार पांडे का। आम आदमी पार्टी की नेता रह चुकी अलका लांबा ने अपने ट्विटर पर कुछ पोस्ट किया। इसमें कॉमेंट बॉक्स में पवन कुमार पांडे नाम के ट्विटर हैंडल ने जमकर लुच्चाई की, गंदी बातें लिखी। किसी ने हैंडल खोजा तो उस पर इंट्रो में भक्त महादेव का देशभक्त प्यार हिंदुत्व से लिखा हुआ मिला। फिर इनके हैंडल को किया लोगों ने रिपोर्ट। यूपी पुलिस को मामले में संज्ञान लेने की अपील हुई और गाजीपुर पुलिस ने संज्ञान ले भी लिया। शादियाबाद थाने की पुलिस पवन कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लाई। गाजीपुर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी। लिखा कि थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने तथा दो समुदाय के मध्य घृणा की भावना पैदा करने की आशा से अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। अब इसके बाद मांगी गई माफी। गिरफ्तार होने के बाद पवन कुमार पांडे नाम के ट्विटर हैंडल से माफीनामे लिखे गए। कहा गया कि मैं अलका लांबा जी से विनम्रता के साथ माफी मांगता हूं। इसके बाद लिखा गया कि मेरे द्वारा की गई टिप्पणी पर मैं सभी देशवासियों से और सभी माताओं और बहनों से दिल से माफी मांगता हूं। साथ में भाई साहब ने दिल्ली पुलिस और गाजीपुर पुलिस को टैग भी किया है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।